रामगढ़ में NH 33 पर सरसों तेल से लदा मिनी ट्रक एक कंटेनर से टकरा गया। इस हादसे में कंटेनर पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि फंसे हुए दो लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दुर्घटना के बाद सड़क पर सरसों तेल से भरा बोतल और कंटेनर बिखर गया। तेल बिखरते ही ग्रामीणों और राहगीरों के बीच तेल के लिए लूट मच गई। स्थानीय लोगों के अलावा सड़क से गुजर रहे लोग अपनी गाड़ी रोककर तेल का कंटेनर चोरी करते दिखे। और झारखंड में एक तरफ सरकार विकास का दावा करते नहीं थकती तो वहीं दूसरी ओर राज्य के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आज आपको हम दिखाते हैं राजधानी रांची से सटे गुमला जिले से के एक तस्वीर की, जहां ना तो पक्की सड़कें हैं, ना ही पीने का साफ पानी और ना ही शौचालय। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। झारखंड के गुमला जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तेलगांव पंचायत का बैरागी बागान गांव। इस गांव में ना ही सड़क है ना ही शौचालय, और तो और यहां पीने का साफ पानी भी मयस्सर नहीं। बरसात के दिनों में यह गांव टापू बन जाता है। कमोबेश पूरे बरसात इस गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से कटा रहता है। इस गांव में करीब 70 परिवार के लगभग 500 लोग रहते हैं। इसे विडंबना कहेंगे कि स्वस्थ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण महज 4 लोगों के घरों में ही दिखाई देता है, जबकि गुमला जिला को राज्य भर में खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया गया है। पीने के पानी की सुविधा के नाम पर महज एक चापाकल है जो अक्सर खराबी रहता है। ऐसे में पीने का पानी दूर दराज के इलाकों से लाना पड़ता है। सड़कें पक्की नहीं तो गाड़ियां भी नहीं पहुंच रही। मांग करेंगे कि हम लोग को रोड की बहुत जरूरी है और जल की भी जरूरी है। इतना घर में खाली एक ही क्या बोलते हैं चापानल है और शौचालय भी अभी बहुत कम कोई को मिला हुआ है। पानी का तो दिक्कत है ही, यहाँ पे कम से कम 20 परिवार है जो लोग ये जल मीनार से मैंने आश्रित है, जो कि अभी जब से बना है तब से खराब ही पड़ा है, तो इसी को बनाया जाए। हम लोग आवेदन भी दिए। गाहे बगाहे समाज सेवी संगठन के लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन की घुट्टी के अलावा ग्रामीणों को और कुछ नहीं मिलता। जिस तरह से हम लोग मीटिंग किए थे, मतलब गांव वाला लोग मीटिंग किया था, मीटिंग में हम लोग को बुलाया गया, जिसमें बात चले कि यहाँ पर सबसे बड़ा एकदम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ गुमला जिला से 1.5 किलोमीटर की दूरी में है और वहाँ पर रोड विशेषकर अभी तो धूप दिन में किसी तरह से आना जाना करता है लोग, लेकिन बरसात के दिन में मतलब एक एक ढुगना ये गड्ढा होके लोग आना जाना करता है। इस गांव का हाल राज्य की विकास की हकीकत बयां करता है। जरूरत है कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ इन लोगों तक पहुंचे ताकि स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सके। गुमला से अजीत सोनी के साथ खुशबू की रिपोर्ट। देवघर में एम्स के स्वास्थ्य उप केंद्र में ओपीडी की सुविधा प्रारंभ हो गई है, जिसका उद्घाटन उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने फीता काट कर किया। ओपीडी सुविधा शुभारंभ कार्यक्रम में एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि एम्स के विशेषज्ञ अलग अलग दिन ओपीडी में अपना चिकित्सकीय परामर्श देंगे। सप्ताह के 2 दिन एम्स के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श सुविधा भी दी जाएगी। सेवाएं शुरू कर रहे हैं अभी मंडे और फ्राइडे को ओपीडी शुरू करेंगे और केवल परामर्श चिकित्सा यहाँ शुरू की जाएगी। उसमें कंसल्टेशन मरीज को केवल राय दी जाएगी, लेकिन कोई अभी शल्य चिकित्सा
या कोई मेडिकल लीगल केस या ऑपरेशन का केस अभी नहीं लिया जाएगा, कोई बड़ी गलती नहीं किया जाएगा। केवल हम जो राज्य सरकार की सेवाएं हैं उनको एक देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर और पार्वती मंदिर से पंचशील को उतारकर पहले मिलन कराया गया, वहीं महाशिवरात्रि के दिन पंचशील को इनके गुंबद में लगा दिया जाएगा, जिसके बाद माँ पार्वती भगवान शिव नए सूत्र धागे से बंध जाएंगे। पार्वती मंदिर का और वो बाबा भोलेनाथ जी के ऊपर का जो दोनों पंचशील उतारा गया और उसके स्थान जगह में सुरक्षित रखा गया, फिर बाद में जो शिवरात्रि के दिन उसको ऊपर लेके जाता है। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो जो तैयारियां करना है हम सभी लोगों ने लगभग पूरी कर चुकी हैं। ऑलरेडी कल शाम को हम लोगों ने 83 मैच। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, बने रहिए नेशन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।